यूपी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने बिना देरी किए हुए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने जनता के लिए पिटारा खोला है, लेकिन उसमें क्या क्या है आप भी जान लें। लखनऊ पार्टी कार्यालय से समाजवादी पार्टी ने 2024 चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। सपा ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है और दावा किया है कि ये घोषणा पत्र लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। 20 पन्नों के घोषणा पत्र में सपा ने जनता के बीच कई मुद्दों को रखा। सपा के घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने की बात है, दुग्ध और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर MSP देने का वादा, किसान आयोग का गठन, छोटे किसानों और सीमांत किसानों को 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन, हर 10 किलोमीटर पर एक किसान मंडी बनाना, गन्ना किसानों के लिए 10,000 करोड़ का रोलिंग फंड, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए किए जाने का वादा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में युवाओं को लैपटॉप, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करना, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देना, राशन कार्ड धारी परिवार को 500 रुपए महीने फ्री मोबाइल डेटा, महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देना, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए महीना पेंशन देना, बेटियों को PG तक मुफ्त शिक्षा देना, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाना, मीडिया की आजादी और 2025 में जाति जनगणना करवाने का वादा किया गया है। साथ ही साथ सपा के घोषणा पत्र में 2029 तक सबको न्याय देने का वादा है, 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबों का उन्मूलन, 2025 तक आरक्षित रिक्त पदों को भरने का वादा, निजी क्षेत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा। सपा ने कुल मिलाकर ऐसे सभी मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में लिया जिसमें दलित, किसान, महिला, युवाओं और मजदूर को लुभाया जा सके। लेकिन सपा के किए हुए ये वादे इस चुनाव में सपा को कितना लाभ दिलाएंगे, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।